जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी सोनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मेरा ये व्लॉग आया है और आप सबको जानकर यह थोड़ा सरप्राइज़ भी हो रहा होगा कि मैं व्हील चेयर पे कैसे आ गई, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस थे वो सब क्रचेस को लेके थे। तो बस अब ये कह लीजिए कि मुझे ज़िंदगी ने इस मोड़ पर कह लीजिए या हालात ने मुझे ऐसा करने पर मजबूरी हो गई मैं कि बस मुझे व्हील चेयर पर आना पड़ा। क्योंकि अभी क्या है, कुछ दिनों से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है और उसमें जो मेरी कैटेगरी है वो व्हीलचेयर यूज़र की कैटेगरी है, तो उसकी वजह से मुझे ये व्हीलचेयर थोड़े दिनों के लिए ट्रायल के लिए लेना पड़ा। क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं पैरालंपिक में स्पेशली, तो आपको कैटेगरीज दी जाती है। तो मेरी जो कैटेगरी आई थी बैडमिंटन में वो व्हीलचेयर उसकी कैटेगरी की आई थी, इसलिए मुझे व्हीलचेयर प्रैक्टिस करनी पड़ रही। क्योंकि जब हम स्टेडियम में स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं या किसी भी नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स व्हीलचेयर अवेलेबल करवाई जाती है। और मोस्टली अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए व्हीलचेयर ट्राई करते हैं तो वो आपको अपनी पर्सनल यूज़ करनी पड़ती है। इसलिए मैंने ये ट्राई के लिए व्हीलचेयर ली हुई है किसी की, और इसके बाद जब मेरा अच्छे से हो जाएगा प्रैक्टिस व्हीलचेयर यूज़ करने का, तो मैं अपना व्हीलचेयर के लिए अप्लाई कर दूँगी। अभी मेरे पास अपना खुद का व्हीलचेयर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है। ना तो मैं प्रैक्टिस के लिए जा पा रही हूँ, ना मैं कहीं और जा पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि व्हीलचेयर हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम क्रचेस को यूज़ ना करते हुए व्हीलचेयर को यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं कितनी आसानी से मूव कर पा रही हूँ, आगे जा पा रही हूँ, पीछे आ पा रही हूँ। तो इस तरह से जब ज़्यादा स्पेस होता है तो व्हीलचेयर मूव ऑन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती और आप बहुत आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप छोटा सा व्लॉग था, आपको पसंद आया होगा।